हेलो एवरीबॉडी, आज हम आए साउथ सिटी मॉल पे और यहाँ पे हो रहा है एक ईवी इवेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी तेज बोलने वाला हूँ क्योंकि बाहर बैकग्राउंड नॉइज चल रहा है जिसकी वजह से शायद कॉपीराइट वगैरह आ सकता है गाने की वजह से। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ किया EV6 का। मैं खुद किया के सेल्टॉस ओन करता हूँ, सेल्टॉस, सोनेट, कारनिवल ये कैरेंस वगैरह पे मैंने बहुत वीडियोज बना डाली है, लेकिन बहुत भाइयों का कमेंट्स आता है कि EV6 पे आप वीडियो बनाओ। तो EV6 भी हम आपके लिए आज लेके आ गए हैं। देख सकते हो टोटल इसका हम आपको एक दिखाने वाले हैं कि क्या आपको फीचर वगैरह मिलते हैं। सबसे पहले कार के आप स्टांस देखो, मेरे को इस कार की लुक इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना, हर एक एंगल से इतनी स्पोर्टी, इतनी ज़्यादा प्रीमियम, मतलब कई लग्जरी कार्स को भी ये फेल कर देगी। किया का वही आपको सैटिन फिनिश में लोगो मिलता है। यहाँ पे जो DRL वगैरह आप देख सकते हो, जो LED में सेटअप आप देख सकते हो, इवन जो टर्न इंडिकेटर्स आपने अभी देखा, क्या इसकी प्रीमियम आपको लग रही है। जो अंदर क्रिस्टलाइन इफेक्ट आप देख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। LED इसमें आपको ऑल हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स तो मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पे जो कर्टन वेंट्स हैं ये फंक्शनल तो नहीं है, और यहाँ पे आपके पास एक क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है। सामने आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं 4। बाकी नीचे जो ये वाला एरिया आप देख सकते हो, यहाँ पे रेडार वगैरह है, क्योंकि इस कार में आपको Level 2 तक का ADAS भी मिलता है। ऑल ग्लॉसी ब्लैक में ये इंसर्ट्स है। सामने आपके पास एक मिल जाता है फ्रंट कैमरा। जो ग्रिल है, ग्रिल तो खैर इसकी क्लोज नहीं क्योंकि ये EV है, तो ये भी आपको फुल ग्लॉसी ब्लैक में ही इंसर्ट्स देखने को मिलता है। जस्ट इस एंगल से आप लुक देखो, इतनी इसकी प्रीमियम लुक निकल के आ रही है। अब मैं आपको इसका साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ। साइड से भी इतनी तगड़ी है, जो कूपे स्टाइल डिज़ाइन है। इलेक्ट्रिक टेल गेट आप देख सकते हो, जिस तरह से ऑटोमेटिकली बंद हो रही है, बहुत इसकी प्यारी मेरे को लुक लगती है यार। वाइपर भी आप देख सकते हो, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये हो गए इसका व्हील्स, जो एलॉय व्हील है आपको ऑल डायमंड कट में मिलता है। किया की लोगो है। 1, 2, 3, 4, 5 आपको नट मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 235/55/R19 19 इंच के आपको मिल जाते हैं जो व्हील्स। कूमो के आपको टायर मिलते हैं, और सस्पेंशन का ट्रैवल भी ठीक ठाक है। यहाँ पे आपके पास मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक ORVM। यहाँ पे आपके पास मिल जाता है टर्न इंडिकेटर्स, और कैमरा भी यहाँ है क्योंकि इस कार में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। कार की जो पेंट क्वालिटी है ये टॉप नॉच है। मैं खुद किया का ओनर हूँ। किया की जो पेंट क्वालिटी होती है ना, बहुत तगड़ी होती है। जो आप अंदर स्पार्कल देख सकते हो, एक एक क्या तगड़ी है। ए पिलर आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलता है। डोर हैंडल्स वही आपको जो XUV700 की वजह से थोड़ा सा फेमस हुआ था, वही स्टाइल में मिलता है, इस तरह से आप देख सकते हो। और बी पिलर भी अगेन ग्लॉसी ब्लैक में। यहाँ पे आपको बस मिल जाता है इलेक्ट्रिक सनरूफ, शार्क फिन एंटेना, और यहाँ पे नीचे जो क्लैडिंग वगैरह है ये भी आपको ग्लॉसी ब्लैक में ही मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको ठीक ठाक मिलती है। ऑब्वियसली सामने पीछे दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। पीछे जो प्रोफाइल है 235/50/R19। मैं भाई स्पीकर के बिल्कुल पास आ गया, अब कॉपीराइट का और भी ज़्यादा खतरा है। मेरे को पता नहीं YouTube में ये वीडियो जा पाएगा या फिर नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ये फंक्शनल दिया गया है, ये जो स्पेस है एरोडायनामिक्स इंक्रीज करने के लिए। अरे भाई अब बहुत तगड़ा इसका साउंड आ रहा है, थोड़ा मैं पीछे आ जाता हूँ। हाँ, पीछे से इस कार की सबसे प्यारी लुक मेरे को लगती है, जो कनेक्टिंग जो टेल लैम्प्स है ना बॉस, हर एक LED के चेम्बर्स आप देखो, यहाँ से लेके फुल यहाँ तक। पीछे अगेन आपको मिल जाता है जो डिफॉगर वगैरह है, स्पॉइलर तो मैंने दिखा ही दिया। किया की लोगो आपको यहाँ मिलती है। EV6 की बैजिंग है। पीछे आपको मिल जाते हैं सेंसर्स 4-4, 1, 2, 3, 4 GT लाइन की आपको बैजिंग मिल जाती है। और ये कार आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ भी देखने को मिलता है। पीछे कैमरा हो गया, और जो LED लाइट्स है नंबर प्लेट की, ये भी बड़ी प्रीमियम लगती है। इस बटन को अगर हम दबाते हैं तो इसका जो बूट है वो खुल जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। बूट स्पेस आप देख सकते हो 550 लीटर के करीब है। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, LED लाइट मिल जाता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा हुक वगैरह है। जो टायर इन्फ्लेशन किट है वो आपको यहाँ मिलता है। अंदर इंसुलेशन वगैरह भी काफ़ी अच्छी दी गई है। बूट स्पेस इज मोर देन सफिशियंट। और जो पार्सल ट्रे है आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसका इंटीरियर एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह से इसका डोर खुलता है। ये हो गया इसका डोर पैनल। आपको थोड़ा सा UV कट ग्लास भी इसमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखो, कार में आपको इवन ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया गया है एज अ पार्ट ऑफ सेफ्टी फीचर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सॉफ्ट टच है। ये पार्ट हार्ड प्लास्टिक है और ये पार्ट हार्ड प्लास्टिक है। मतलब ऊपर का जो डोर पैनल है आपको बहुत प्रीमियम सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। मेमोरी सीट्स आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। जो सैटिन फिनिश में डोर हैंडल है। ORVM के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं। जो
पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं। सामने के दो जो पावर विंडोज है वन टच अप डाउन है, और पकड़ने के लिए ये है ग्लॉसी ब्लैक में आपको ये फिनिश भी देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा बेज कलर में मिलता है। यहाँ पे आपके पास सीट एडजस्ट भी मिल जाता है, इससे आप जो सीट है फुल ऐसे रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो। और ये लंबार सपोर्ट के लिए है, 8 वे एडजस्टेबल आपको सीट यहाँ ये जो कंट्रोल है देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन हो गया, ये आई थिंक पार्किंग जो ब्रेक है उसके लिए, क्योंकि जो ऑटो होल्ड का बटन है वो आपको यहाँ मिलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के लिए होगा। ये जो चार्जिंग सॉकेट इसको खोलने के लिए, ये बूट है उसको खोलने के लिए, ये जो अंदर का इल्यूमिनेशन है वो करने के लिए, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी आप देख सकते हो। कार में आपको मेरिडियन का स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ पर ट्विटर भी आपको मेरिडियन के ही मिलते हैं, आप यहाँ लोगो देख सकते हो। ये हो गया इसका बड़ा सा प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील, देख सकते हो। बाकी किया की कार से ये टोटली अलग आपको देखने को मिलती है, फ्लैट बॉटम यहाँ पे हो गया, और ये पकड़ने में भाई इतनी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। जो अंदर वाइट स्टिचिंग है ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट कर रहा है इसके जो ब्लैक कलर के साथ। पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे आपके पास मिल जाते हैं MID के कंट्रोल्स। अभी कार की चाबी अंदर नहीं, इसलिए आपको नहीं दिखा पा रहा, लेकिन आप समझ ही सकते हो किया की जो कंट्रोल है बेसिक यहाँ पे है। किया की बाकी कार्स में ये पोर्शन यहाँ रहता है और ये पोर्शन यहाँ रहता है, लेकिन इसका सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में यही स्टीयरिंग व्हील आता है, वहीं से ये डायरेक्ट चिपका के देते हैं। क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाता है, ये हो गया इसका जो एडास है लेन कीप असिस्ट वगैरह उसके लिए, जो क्या कहते हैं इन्फोटेनमेंट है उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, फ़ोन उठाने काटने सब कुछ यहाँ हो गया। यहाँ पे हेडलैम्प्स आपको ऑटोमेटिक मिलता है, और यहाँ पे मिल जाता है वाइपर, इवन द वाइपर्स है ऑटोमेटिक इन दिस कार। कार के जो ड्राइव मोड्स है इको स्पोर्ट वगैरह वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ये अलग से बटन काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट आप देख सकते हो, हाइट के लिए है, इवन रीच के लिए भी है। इसकी जो हेडलैम्प्स है हम ज़रा एक बार ऑफ ही कर देते हैं। इसकी जो डिस्प्ले है मैं आपको थोड़ा सा बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको ये पार्ट दिखा देता हूँ, इसको लेटर पे करते हैं। ये देख सकते हो, अरे यार कितनी इसकी स्मूथ डिस्प्ले है। जो सेल्टॉस है उसकी ऑलरेडी स्मूथ है, लेकिन इसकी तो मेरे को और भी ज़्यादा स्मूथ लग रही है। ये टोटल आपको 12 इंच का डिस्प्ले मिलता है, बोथ द MID एंड द इंफोटेनमेंट बोथ यू गेट 12 इंच डिस्प्ले। यहाँ पे EV की आपको इन्फॉर्मेशन जो है कार ऑन होना चाहिए, वैले मोड, फिर क्लाइमेट, मतलब जो AC के कंट्रोल्स है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन मैप, ये सब तो है ही है, मतलब शानदार इसमें आपको सिस्टम मिल जाता है। MID आप देखो, इसकी जो एनिमेशन है इतनी प्यारी लग रही है। ये जो डिस्प्ले आप देख सकते हो ये ADAS वगैरह के लिए है, इसको दबा के आप जो इन्फॉर्मेशन ब्राउज कर सकते हो। ये जो फ्यूल इन्फॉर्मेशन है, और ये कंपस है, फिर TPM है, सब कुछ आपके पास जो बेसिक फीचर है इस तरह से देख सकते हो। अटेंशन लेवल, ड्राइवर जो अटेंशन है वो सब कुछ आपको इसमें A to Z दिया गया, तो अटेंशन टू डिटेल इस कार में इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। ड्राइविंग मोड आप देख सकते हो, नॉर्मल, स्पोर्ट, इको, ये सब है। और इसका अगर आप होल्ड करके रखते हो तो इसका जो ट्रैक्शन मोड है स्नो, मड, सैंड, इसमें भी आप ब्राउज कर सकते हो। ऊपर ही आपको ऑब्वियसली हार्ड प्लास्टिक मिलता है। यहाँ पे भी मेरे को स्पीकर लग रहा है, ये भी स्पीकर है, वो भी स्पीकर है, कितने स्पीकर है कार में पता नहीं भाई। ये भी हार्ड प्लास्टिक नहीं, ये थोड़ा सा हार्ड एंड सॉफ्ट का मिक्सचर है। ये भी थोड़ा सा अलग सा फिनिश दिएगा, ये भी काफ़ी प्रीमियम लग रही है। और कार की जो एम्बिएंट लाइटिंग है, यही थीम आप कार की जो रियर लैम्प्स है उसमें आप देख सकते थे, बहुत ही प्यारी लग रही है। AC के वेंट्स काफ़ी स्लीक दिए गए हैं, और AC के कंट्रोल्स भी आपको यहाँ मिलते हैं। ये डुअल जोन AC है। AC का टेम्परेचर के लिए आपको नेडिकेटेड नॉब मिलता है, लेकिन बाकी सारे बटन्स आपको टच स्क्रीन मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और नीचे यहाँ पे एक टाइप सी चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे डेड पेडल भी आपको प्रॉपर दिया गया है। ये आप देख सकते हो, जो इंजन स्टार्ट तो नहीं है, बैटरी स्टार्ट आप कह सकते हो, यहाँ पे आपके पास मिल जाता है। काफ़ी ये प्यारी सी फिनिश में क्या नाम लेते हैं ये जो पैनल, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलते हैं, इवन हीटेड सीट्स भी आपको दिया गया है। ये बटन बेसिकली जो स्टीयरिंग व्हील है उसको हीट कर देता है। कहीं कहीं क्या होता है, आपके हाथ में पसीना वगैरह हो जाता है तो बहुत देर तक अगर आप स्टीयरिंग व्हील को पकड़ जाते हो, तो उस फीचर के लिए भी ये दिया गया। तो अटेंशन टू डिटेल और कम्फर्ट इस कार में आपको टॉप नॉच मिलती है। एम्बिएंट लाइटिंग आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक पर्पल कलर की भी मिलती है। जो गियर नॉब है बेसिकली रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, यहाँ से सिलेक्टर है, अभी पार्किंग मोड पे है, इसकी भी फिनिशिंग आप देख सकते हो। मतलब जो ब्लू का इन्होंने अंदर थीम दिया है ना, यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइटिंग आप अंदर देख सकते हो, मतलब फुट लैम्प थोड़ा सा कह सकते हो, तो ये भी अच्छी है। ऑटो होल्ड का फंक्शन यहाँ पे है। जो कैमरा है, कैमरे की क्वालिटी देखो, क्या प्यारी आपको इसमें कैमरा दी गई है। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए है। यहाँ पे आपके पास मिल जाता है वायरलेस चार्जर, यहाँ पे आपके पास डेडिकेटेड मिल जाता है कप होल्डर्स,
दो बड़े मिल जाते हैं, एक छोटा सबको मिल जाता है। इसका जो स्टोरेज स्पेस है दैट इज ऑल्सो क्वाइट डिसेंट। क्या ये स्लाइडेबल है? जी नहीं, ये स्लाइडेबल नहीं है, लेकिन इसकी कम्फर्ट काफ़ी अच्छी है। अगर मैं सीट कम्फर्ट की बात करूँ, आप देख सकते हो सीट कम्फर्ट काफ़ी शानदार है, स्पेशली जो लंबर सपोर्ट, इसको आप एडजस्ट करके अपना कम्फर्ट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल मेरे को काफ़ी शानदार लगी। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी है, इवन जो साइड बोलस्टरिंग सपोर्ट है, इवन दैट इज़ एब्सोल्युटली टॉप नॉच इन दिस कार। ओवर हियर यू गेट द फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM, सो इवन दिस लुक्स एब्सोल्युटली प्रीमियम। यहाँ पे आपके पास मिल जाता है मिरर विथ लाइट, लाइट्स आर ऑल्सो LED एंड द केबिन लाइट्स आर ऑल्सो LED ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट्स की जो क्वालिटी है ना, इतनी अच्छी है, बिल्कुल आंखों में चुभने वाली लाइट्स नहीं है, बहुत ही सटल तरीके से ये ऑन होती है। और इस तरफ भी आपके पास मिरर दिया गया है विथ लाइट। अंदर ऑल ब्लैक आप थीम देख सकते हो, ऊपर जो क्या कहते हैं ये रूफ वगैरह है, पिलर वगैरह, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ब्लैक। तो थोड़ा सा शायद गर्मी के मौसम में थोड़ा सा जल्दी ये गर्म हो सकता है, उस बात का आप ध्यान रखें, लेकिन ये प्रीमियम तो लगता है। यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो देखने को मिल जाते हैं, इस तरह से सन ब्लाइंड वगैरह आप खोल सकते हो थोड़ा सा हल्का सा टच करके, तो ये भी काफ़ी एक एयरी फीलिंग आपको अंदर देने वाला है। देखो अच्छा, ये काफ़ी मतलब वाइड खुलता है, आप देख सकते हो इसका अपर्चर इज क्वाइट गुड। फिलहाल सनरूफ को कर देते हैं हम बंद, थोड़ा सा टाइम लेती है बट इट्स फाइन, नॉट अ बिग इशू। इसको भी थोड़ा सा हम बंद ही कर देते हैं, लेकिन इसको पूरा ज़रा क्लोज होने देते हैं। सो दैट्स रैप्ड अप। देखो मैंने इसको बंद कर दिया तो सीट अपने आप पीछे चली गई, तो कार में आपको जो वेलकम सीट्स है वो भी फंक्शन दिया गया है। सामने से तो सब कुछ मैंने कवर कर ही दिया है, पीछे का मैं आपको स्पेस वगैरह एक बार दिखा देता हूँ और क्या आपको एमिनिटीज मिलता है। यहाँ पे कोई सनशेड्स वगैरह नहीं है जो आपको सेल्टोस सोनेट में मिलता है, मेरिडियन के अगेंस्ट स्पीकर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छा दिया गया ग्लॉसी ब्लैक में। पावर विंडो के कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर, अगेन सॉफ्ट टच एवरीवेयर, ये थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है लेकिन ये पैनल आपको सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ पे AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाता है, आइसोफिक्स सीट माउंट्स हो गया, और जो सीट है इसका ज़रा कम्फर्ट वगैरह देख लेते हैं। हाँ, इसको करते हैं बंद। डोर की थर्ड काफ़ी सॉलिड है भाई, काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पे अगेन आप ब्लू एम्बियन लाइटिंग देख सकते हो, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। सामने का जो सीट है ऑल द वे रिक्लाइंड है, तब भी आप मेरा जो एंगल है, जो स्पेस है आप देख सकते हो, स्पेस इज एब्सोल्युटली फेनोमिनल इन दिस कार। देख सकते हो इतना सारा नी रूम, लेग रूम की भी कोई शिकायत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मोटा जूता पहनते हो तो ये पोर्शन थोड़ा सा आपके पैर में अड़ सकता है, मतलब क्योंकि ये गैप थोड़ा सा कम है, लेकिन वो तो जूते के ऊपर डिपेंड करता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपके पास मिल जाता है मैगजीन होल्डर, सेम इज द केस हियर। यहाँ पे भी आपको एक जो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, एंड ऑल्सो ओवर हियर। बाकी सीट्स मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लगी, अंडर थाई सपोर्ट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर अ गाई हु इज 6 feet tall, क्योंकि मेरी हाइट वही है। बिल्कुल जो बीच का पैसेंजर उसके लिए भी प्रॉपर दिया गया, क्योंकि बाकी कार्स में आप देख सकते हो थोड़ा सा ऐसे होता है, तो बीच के पैसेंजर का जो अंडर थाई सपोर्ट है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। यहाँ पे हम्प बिल्कुल नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली जीरो हम्प, सो इवन दैट्स अ ग्रेट थिंग। जो बीच का पैसेंजर है उसके लिए भी डेडिकेटेड आपको सीट बेल्ट दिया गया है। बीच का आर्मरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स, और इस तरह से आई थिंक हाँ आप बूट को भी एक्सेस कर सकते हो अगर आपको कोई सामान वगैरह निकालना है। तीन तीन आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच में आपको केबिन लाइट्स भी ऑल LED में दिया गया है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल विद हुक आपको दिया गया है। तो रियर सीट एक्सपीरियंस इज एब्सोल्युटली 10 out of 10 फ्रॉम मी। अगर आप शॉफर ड्रिवेन एक लग्जरी इलेक्ट्रिक कार ढूंढ लो तो EV6 इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर यू। और इवन जो इसका रिक्लाइन एंगल है आप देखो, बहुत शानदार है भाई। और रिक्लाइन एंगल होने के बावजूद मेरा हेडरूम देखो, 6 feet का हूँ, मेरे पास 3 उंगलियों का गैप अब भी बाकी है। तो स्पेस मैनेजमेंट इस कार में एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल है। लास्ट में आपको डोर की ओपनिंग दिखा देता हूँ, डोर की ओपनिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो चढ़ना उतरना भी इस कार में कोई मेजर इशू वगैरह नहीं है। आप बैटरी की बात करते हैं, क्योंकि जब EV की बात कर रहे हैं बैटरी ही अपना मेन होता है। इसमें जो बैटरी दिया गया है 77 kWh का कुछ आपको बैटरी पैक इसमें अवेलेबल है, और क्या नाम रहते हैं, इसका जो रेंज है कंपनी क्लेम करती है 606 km, सो दैट इज़ ग्रेट, क्योंकि सेगमेंट में बहुत कम कार्स है जो 500 km के ऊपर रेंज क्लेम करती है। और अगर हम कार के पावर वगैरह की बात करें तो ये पावर निकाल के देती है कुछ 320 bhp,
और टॉर्क इसका है 605 न्यूटन मीटर्स। तो परफॉर्मेंस इस कार की एब्सोल्युटली बहुत खतरनाक है। तो कभी भी अगर ड्रैग रेस वगैरह इस कार से करनी हो तो भाई इसके टक्कर की कोई कार लेके आना, वरना आपकी बेइज्जती होनी ही होनी है। तो मेरी तरफ से EV6 को बिल्कुल थम्स अप है। कार की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो कैलकाटा का मैं आपको प्राइस वगैरह दिखा देता हूँ। GT लाइन ऑल व्हील ड्राइव जो वेरिएंट अपने पास अभी है, इसकी एक शोरूम प्राइस है 65 लाख। ऑन रोड ये पहुँच के आपका, अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी एक्सेसरी वगैरह लेते हो तो 71 लाख इसका ऑन रोड प्राइस है। एक्सटेंडेड वारंटी की कीमत ही भाई 1 लाख से ऊपर है। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑब्वियसली इसका बहुत कम है क्योंकि ईवी कार है तो इसका कम ही रहता है। सो या दैट वाज प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट द किया EV6। आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको किया EV6 कैसी लगी, क्या आप किया EV6 लेने का प्लान बना रहे हो या फिर आप Hyundai Ioniq की तरफ जाना चाहोगे। कार में इतने सारे फीचर्स थे, मैं बेसिक जो चाबी है वो दिखाना ही भूल गया। चाबी आपको जो नई सेल्टॉस में अब मिलती है वही चाबी किया EV6 में ही मिलती है। थोड़ा सा ये ब्लैक तो नहीं है, थोड़ा सा बहुत डार्क ब्राउन आप कह सकते हो। जो साइड में बटन से आपको दिया गया है लॉक अनलॉक होल्ड करके जो बैटरी स्टार्ट है और बूट खोलने का। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को ज़रा एक लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा दीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना।